झुंझुनू में भी 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मनाया गया। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। परिवहन मंत्री ने कहा कि झुंझुनू जिला सैनिकों के लिए जाना जाता है। 1971 के युद्ध में भी यहाँ के अनेक सैनिकों ने बलिदान दिया था। हमारे शहीद अमर रहे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हमारे शहीद अमर रहे। विजय दिवस है 1971 में, आज से ठीक 50 साल पहले भारतीय सेना ने आज के दिन पाकिस्तानी सेनाओं पर विजय प्राप्त की थी। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के रूप में हमारी सेना गई थी। हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आज के दिन ही लोकसभा में घोषणा की थी कि हमने इस युद्ध में विजय प्राप्त करी, और उस समय इंदिरा जी के नेतृत्व में एशिया की भूगोल को बदल दिया, ज्योग्राफी को बदल दिया। ईयर 1971 में युद्ध हुआ था, जिस दौरान हमारे इंडियन मिलिट्री आर्मी फोर्सेस ने पाकिस्तान को हराकर जीत की दर्जी कराई थी, हमारी जीत का झंडा फहराया था। आज विजय दिवस उसी के उपलक्ष में मनाया जाता है। हमारी भारतीय तीनों सेनाओं ने दिन रात एक कर 13 दिन लगातार युद्ध कर जीत हासिल की, और आज मैं उन सभी शहीदों को नमन करती हूँ। जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले हम देशवासियों ने उसको खत्म कर दिया था। 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 16 दिसंबर को तो हमने उसको एकदम उसको लपेट दिया था। 1,00,000 लोग, 93,000 युद्ध बंदी हमने बढ़ाए थे, जो कि इतिहास रच दिया।